सर ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है और मतलब मुझे गा के बहुत मज़ा आया। बहुत डीप रोमांस वाला सॉन्ग है। एक्चुअली इट्स अ सडक्टिव सॉन्ग। सडक्टिव है तो इसलिए मतलब फील तो डीप पूरा भरा हुआ है। सिर्फ इतना था कि उन्होंने बोला कि भाई सॉन्ग तो अच्छा है लेकिन एक बार आपको सुना देता हूँ मैं, और आप पहले सुन के देख लीजिए फिर हम उस पर काम करेंगे। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। तनी सैड वी डू टेक। अभी तक तो सोलो था, अभी कुछ लाइंस ड्यूट के लिए भी रखी हैं फीमेल्स। किस तो मुझे अभी चार गाने, किस मोड के गाने थे? अभी एक्चुअली मैंने दो गाए हैं और एक जो पहले गाया था वो थोड़ा पैपी नंबर था और ये सेडक्टिव है। देन अभी लेट्स सी, अभी और अलग अलग मूड के गाने मिलेंगे। फिल्म का जो स्टोरी है बहुत ही अच्छा स्टोरी है, कॉलेज लाइफ पे बनी पूरी स्टोरी है और यंगस्टर के लिए है और बहुत ही यूनिक इसका स्टोरी है। जैसा कि हमको जब स्टोरी ए सागर जी ने बताया गाने के लिए, जब हम लोग बैठे थे सीटिंग पे, तो उसमें छह गाने का जो सिचुएशन आया था, छह गाने इस मूवी में रखे गए हैं और सारे गाने का अलग अलग मूड है और बहुत ही प्यारा गाना बना है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ है। आज इस मूवी का गाना रिकॉर्ड हुआ अरमान नाजिम के अली जी की आवाज़ में, बहुत ही बढ़िया हुआ है और सबको अच्छा लगा है। गाने का मूड पूरा रोमांटिक मूड है और बहुत ही मतलब रूह तक जाती है गाने की जो है, वो चीज़ है, दिल को छू जाने वाला गाना है। ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, इसमें दूसरा गाना है ये। तो इसके दूसरे जो सिंगर है नजीम जी, उसके साथ मैंने गाना गाई। वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, उसके साथ गाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैंने सीखा है अपने ग्रुप में, ग्रुप के साथ। और अभी यहाँ पे सब प्रोडक्शन नंबर 1 में सब अच्छे हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर शेखर जी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग साथ में कर रहे हैं काम, अच्छा काम करना चाहते हैं।